इस व्लॉग को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं बोलूँगा हेल्थ इज़ एवरीथिंग। तो मैं वो क्यों बोल रहा हूँ कि मैं अभी आपको कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए, आप मेरे हाथ पे ये स्पॉट दिख रहे हो, ये स्पॉट हो गया, ये हो गया, और ये अंगूठे के जस्ट ऊपर यहाँ पे रेड कलर के स्पॉट, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड के ठीक ऐसी जगह पर जहाँ पे मैं गिटार स्ट्रिंग्स प्रेस करता हूँ, तो ये ठीक वहाँ पे हो रखा। तो ऐसा ही ये मेरे चेहरे पे, मेरे पैर पे और पैर की उंगलियों पे जहाँ की मुझे चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, उन पर पेन भी हो रहा है। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा हाथ का हाल, तो ये आप यहाँ पे भी हो रखा है, कान के अंदर हो रखा है, सब जगह ऐसे स्पॉट हो रखे हैं। तो ये क्या है, अभी हॉस्पिटल जाने वाला हूँ मैं, देखते हैं क्या निकल के आता है कुछ। अभी थोड़ी देर पहले मुझे राशि जी का फ़ोन आया था, जो बैंड मेंबर है हमारी, उन्होंने कहा उनको भी ऐसे सिम्टम्स आए थे, उनको एक्चुअली डेंगू हो गया है। तो खैर वो अब तो बहुत अच्छी हैं, अब तो बहुत अच्छी हैं, वो घर आ चुकी हैं, अच्छी से, रियली गुड न्यूज़। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ डेंगू का, अभी देखते हैं क्या, भगवान करे ऐसा ना हो, बट मुझे ऐसे कुछ डेंगू के सिम्टम्स तो है नहीं। हाँ, बुखार आया था मुझे इससे एक दो दिन पहले, बहुत ही तगड़ा, वो मैं रजाई डाल के निकाल दिया हूँ, स्वेटिंग हुई और बुखार निकल गया। तो ऐसा कुछ नहीं छोटा, और दवाइयाँ मैं खाता नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक नेचुरली हील पावर होती है जो कि ज़ुकाम बुखार कर देती है ठीक, तो नहीं खाना चाहिए मेरे हिसाब से। बट टॉन्सिल्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा, घुटने में प्रॉब्लम, ज़ुकाम नहीं लगा है बस। और लास्ट टाइम मैंने जहाँ पे ब्लॉग छोड़ा था विकास सर की वाली बात पे, तो विकास सर ने काफ़ी चीज़ें बताई, और मैं जो सो रखा था इतने टाइम से रियाज़ को लेके, प्रैक्टिस को लेके, उससे मेरी आँखें खुली, और बहुत कुछ करना है अभी, किस लेवल पे हैं, क्या है, बहुत कुछ करना है, वो चीज़ें बताई सर ने। और उसके बाद मैं घर चला गया था, फिर उसके बाद अब मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ क्या क्या चल रही है, क्या नहीं हो रहा है। तो अभी मैं बस हॉस्पिटल निकलने वाला हूँ थोड़ी देर में, और फिर देखते हैं क्या होता है, और इस बार मैं मोटो व्लॉग भी करूँगा, कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। चलिए फिर चलते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। जाने से पहले एक और बात बोल देता हूँ, जितनी ज़रूरी पढ़ाई है उतनी ही ज़रूरी हेल्थ है, मुझे लगता है उससे ज़्यादा ज़रूरी हेल्थ है। अगर आप सही हैं तब आप कुछ कर पाओगे, सही नहीं है तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो पहुँच गए हम लोग हॉस्पिटल। देखो इसकी एक ट्रिक बताता हूँ आपको, हेलमेट रखने की, इसको ऐसे डालो और आपका हेलमेट कोई नहीं चुराएगा इसके बाद। भाई ऐसा दर्द हो रहा है ना हाथ में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया स्पॉट्स हाथों पे, चेहरे पे। फिर वही देखते हैं शूट हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मंडे को वैसे भीड़ रहती है लेकिन आज है नहीं भीड़ इतनी। तो मात्र 5 रुपए की पर्ची कटने के बाद मैं गया स्किन ओपीडी, वहां डॉक्टर ने कहा ये किसी दवाई का साइड इफेक्ट है, एंड देन उन्होंने ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहा। 2 बज रहा है और रिपोर्ट्स, मतलब रिपोर्ट्स क्या, रिपोर्ट्स तो कब तक आएंगी, लेकिन हाँ मेरा यूट्यूब खुला रहता है यहाँ पे हमेशा हमेशा, ब्लड निकाला जा रहा है। ऐसे रुक 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 भाई, रुक जा, साल में पहली बार मैंने ऐसे ब्लड निकाला है और दर्द नहीं हुआ, सबसे अच्छी बात, एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे मेरे साथ, थैंक यू सो मच। मेरा ये फ़ायदा था कि दोस्त होने के चक्कर में टाइम बच गया। आप सीसीटीवी की निगरानी में, तो भाई डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिख के दी हैं, वो मैं लूँगा थोड़ी देर में, और फिर मैं घर को जाऊँगा। इन हॉस्पिटल आके एक चीज़ का बहुत तगड़ा रियलाइजेशन होता है कि आदमी की ज़िंदगी कुछ पल की ही है, देखा जाए तो आप सोच नहीं सकते कि एक पल में क्या हो जाए, है ना। लाइक अभी अगर आप हैं, कुछ सेकंड में आप नहीं हैं, तो सोचिए इस चीज़ को, ज़रा गौर करके सोचिएगा। तो किसी से बैर रखना, किसी से बात ना करना, ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं भाई, बहुत छोटी हैं। जब आप हॉस्पिटल के अंदर आते हो आप इतने सारे लोगों को देखते हो, इतने तरीके के लोगों को देखते हो, जिनका हाथ कटा हुआ है, जिनका पैर नहीं है, तो वो किस दर्द से गुजर रहे हैं उस वक्त। तो भाई उसके सामने तो आपका दर्द, मेरा दर्द तो कुछ भी नहीं है उस हिसाब से। तो ये बहुत भयंकर वाली बात मुझे रियलाइज़ हुई यहाँ पे आके। तो इसे एक चीज़ ये भी मेरी समझ में आई कि आपके लाइफ में जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपके दोस्त हो गए, आपके मम्मी पापा हो गए, आपके भाई बहन हो गए, जो भी है, किसी से भी हम लोग छोटी छोटी बात में नाराज़ हो जाते हैं, या उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने ये बोल दिया, फिर हम कई महीनों तक बात नहीं करते भाई। यहाँ देखने के बाद मैं तो कुछ नहीं करने वाला ऐसा, मैं लिटरली मैं बता रहा हूँ कि मतलब मेरे तो किसी साथ खैर ऐसा है नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को प्यार से रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो माफ़ कर दो, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, लाइफ बहुत छोटी है, जितना जियो अच्छे से जियो।
हाँ भाई, बहुत अचानक पता नहीं क्या आया माइंड में ऐसा थॉट सब कुछ देखने के बाद। अभी दिव्या थी यहाँ पे तो वो चली गई, उसकी ड्यूटी वगैरह है। मैं भी जाता हूँ घर, क्योंकि 5 बजे से मेरी क्लास है और अभी मैं इमरजेंसी में बैठा हूँ। चलो फिर रिपोर्ट्स आएंगी तो बताता हूँ क्या क्या सीन शॉट है। आगे व्लॉग्स आते रहेंगे, है ना, जर्नी को स्टार्ट रखेंगे। अभी इसका हिस्सा बनो, देखते रहो चीज़ों को, समझो क्या हो रहा है क्या नहीं, देखते रहिए चीज़ें। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही।